Hi guys, welcome to my video. And today we are going to Kerala. हम जा रहे हैं केरला. इसमें तो चढ़ चुके हैं. Hello guys, इन बड़ी-बड़ी पहाड़ियों से इलेक्ट्रिक सिकड़ी बदल रही है. वेलकम टू माई वीडियो. हम आ चुके केरले में. केरला में हमारी बस ये अभी गुरु स्केटर और उसकी बहन दोनों जा रहे हैं सनसेट और बैकवाटर के लिए केरला में क्रूज में. तो आप सभी बने रहिए, आपको दिखाते हैं हम वाटर क्रूज के साथ में पूरा सफर. ओके, ये आ गई है इनकी नाव और ये गुरुवंश बैठते हुए आपको दिखाते हैं अभी क्या. ये रेड कलर की इनकी बोट आ गई है. हाँ सर, ये खुश होके तो दिखा दो अभी. ये गुरु स्केटर पीछे मुकर के. हाय गाइस, कैसा लग रहा है आपको बताइए. और ये हमें भी दिखाना चाहेंगे आपको. हम बैम्बू दिखा रहे हैं आपको. देखो बैम्बूस कितने ऊपर. फ्रेंड्स, वी आर रेडी टू गो. ये बैक वाटर्स में हम जाने को रेडी हो गए हैं. तो 2 घंटे के ट्रिप है. बैकवाटर में एक गुरु स्केटर एंजॉय करेगा पूरा. तो इसमें 2 आइलैंड दिखाएंगे और अरेबियन सी एंड दिस रिवर इज नैयार रिवर एंड ये अरेबियन सी से मिलती है, वहाँ जाएंगे हम. सेकेंडली हम जाएंगे आइलैंड्स पे. एक रूम से सब्सक्राइब गुरु स्केटर. केरला का जो नजारा है आपको दिखाते हुए. ये जंगली पाइनएप्पल है दोस्तों. ये मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये देखो यहाँ पे रास्ते भी हैं काफी. ये अच्छा मैंगो लगे हुए देखने बढ़िया. तो आप भी आ जाओ इधर.
नहीं सारे नहीं आते। डरावना सा रास्ता जंगलों के बीच से फर्स्ट टाइम गुरवंश और उनकी मम्मी पहली बार पानी में उतरे हैं जिंदगी में, जो अंदर ही अंदर खुश हो रखे हैं बिल्कुल। है? तो पानी है, ये पानी दे दो, ये पानी कितना है देख लो, ये बच्चे खड़े। ओके अब देख क्या बात है, मम्मा को भी आने दो यार एक बारी, प्रांजल आप पीछे आओ। प्रांजल को भी एक बारी तो देखो, फोटो तो खींचा ले प्रांजल ही देख। पक्षी आया पक्षी, जगह से जा रहे हो आप प्रांजल, कम यार क्या है पेनल्टी बच्चे प्लान 5000 ओके। चल ठीक है ओके, तो यही पहन छोड़ दे। आ जाएगा इस साइड में आगे रेत जो गोल्डन मिट्टी है यहाँ पे, उसके बाद में अरेबियन सी स्टार्ट। अभी तो हम आपको पैराग्लाइडिंग भी कराएंगे। पॉइंट है भाई यहाँ का, आप सभी देखो, आपको नजदीक से भी दिखाएंगे। कोकोनट अच्छा कोकोनट आइलैंड ये वाला है। ये दोस्तों हमारी जो नाव है वो टेढ़ी हो गई थी और सभी हैरान हो गए थे, डर गए थे यहाँ पे। तो अभी गुरवंश और इसकी टीम रुके हैं चाय पीने के लिए और कुछ पकौड़े वगैरह शायद खाने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ के होटल हैं इस टाइप के नाव में ही, और ये पिछला भी आपको दिखाते हैं चिल्ली जो होटल इस टाइप में। चार चार होटल थे, दो वेज हैं, दो नॉन वेज आ रहे हैं ऐसे ऐसे चार। फ्रेंड्स तो अब हम सी में पहुंच गए हैं, ये है सी और यहाँ पे सनसेट होने वाला है। वेलकम टू माय वीडियो, ये हमारा ग्रुप स्केटर सी में पहुंच चुके हैं इसलिए हम खड़े भी नहीं हैं। वो है एलिफेंट पोर्ट, एलिफेंट
एलिफेंट पोर्ट, वहाँ पर हमारा ये बीच सा है और उधर साइड वहाँ रिवर है, और ये रिवर क्या है उस साइड से समुद्र के उस साइड से पानी आ रहा है, तो पानी और रिवर का पानी मिक्स हो रहा है एक साथ। ये हमारी ब्यूटीफुल सी मदर क्वीन और ये हमारी बीच है जो मम्मा भी जाने वाली है, तो ऊपर जाना है। हाँ मम्मा गुरु स्केटर बोल रहे हैं कि हम बीच के ऊपर चलते हैं। ये जो है पेमेंट के यहाँ पे रूम अवेलेबल है, सेम है कॉटेज, क्लोथिंग कॉटेज बोलते हैं, तो आपको दिखा सकते हैं हम। तो ये रात को फ्लोट करते होंगे कुछ ना। क्या? हाँ हाँ उस पे बीच पे मदर मैरी स्टैचू यहाँ पे। यहाँ पे जो बीच आपको दिखाई दे रहा है उसके उधर तमिलनाडु और यहाँ पे इस साइड में फिर ये केरला शुरू स्टार्ट है। ये हमारी नाव काफी स्पीड में चलती हुई गुरुवंश समुद्र के किनारे ऑफ स्केटिंग करते हुए आगे देख के परांजल आपका नियारा बेटा बाद में लूंगा। को मिल गए है इसका दोस्त और ये इसके साथ खेलने लग गया है और इसको काट गया तो हमें पता नहीं, फिर ये चैचा करेगा। और अभी सनसेट का टाइम होते हुए आप सभी को दिखा रहे हैं बीच का नज़ारा। थोड़ा थे पीछे का थोड़ी सी पता चला। रुक रुक फोटो नहीं है तो वीडियो बन गई। सूर्य का सीन त्रिवेंद्रम से आपको दिखा रहे हैं, तो प्लीज जी थोड़ा थोड़ा सूर्य अंदर जाते हुए ढलते हुए और ये साथ में मौज मस्ती करते हुए आप सभी को उठाते हैं सूर्य अस्त। लेकिन ये तो और नीचे जाना चाहिए ना, समुंदर में जाना चाहिए ना, बादल है ना, अभी तो और नीचे जाएगा मतलब। रंजल इधर आ जो। नीचे में भी शायद बादल है तो आपको दिखाते हैं हम। और देखो थोड़ा नीचे से दिख रहा है ना, ये तो नीचे से भी दिखाई देते हुए और ये लहरों का जोर भी बढ़ता हुआ हमारे पास। यहाँ पे इनका आराम देख लो आप साथ में, कितनी बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पे आती हुई। और
और अब आपको दिखाते हैं हम सूर्य, जबकि जा ही चुका है मेन। ऊपर तक आई जो कि खतरा बढ़ते हुए, हमारे गुरु पता नहीं क्या ढूंढते हुए, इसकी मम्मी परेशान। और हम यहाँ पे जा रहे हैं दोनों बच्चों का। अरे सर भाई, एक राइड का होता है ना 200 बैठने बैठो। ये अभी कैमल राइड के लिए जाते हुए गुरु स्केटर आपको दिखाते हैं। और ये तो खड़े उठ पे जा रहा है, बैठे पे डरते हुए ये। और ये हमें दिखाई नहीं देते हुए। अरे डरने से कौन सा वो है, वो जाएगा नीचे तो। ये गुरु उसके डर यहाँ पे समुद्र के किनारे गुरु स्केटर करते हुए कैमल राइड। और ये समुद्र का नजारा आप देख रहे हो। हाय गुरुअंश, हाउ आर यू, व्हाट आर यू फीलिंग? हेलो गुरु, ओए इधर, कितना डरा हुआ है ये, ओए बोलो कैसे फीलिंग हो रही है, फीलिंग कैसी आ रही है, क्या लग रहा है? ये डरते हुए उतरते हुए गुरुवंश। गुरु हाँ गुरु स्केटर आजा भाई, कम कम कम, धन्यवाद। और ये देखो प्रांजल कैसे बैठी है, पापा फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो ये बैकवाटर बोट हैं, ये इनका रेट 2500 से 3000 तक ओनली है। बट यहाँ पे एक सिस्टम चला हुआ है कि रेलवे स्टेशन के पास आपके पास जो ऑटो हायर करोगे वही आपको इन बोट के पास लेके आ जाते हैं, और जिसमें कि वो हायर रेट के कार्ड आपको दिखाएंगे, मिनिमम 10,000 जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी आपको शो करोगे ऐसे ही आपको कार्ड दिखाएंगे, और मिनिमम रेट्स में जल्दी से जल्दी फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एक रोबरी की ट्रैप की तरह आपको फंसाया जाएगा कि इतनी देर आपको रखा जाएगा, टू आवर तक आपको घुमाया जाएगा, सनसेट दिखाया जाएगा या ऐसे। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऑटो वाले को सिर्फ फेयर से मतलब रखो, और इसकी जगह कई सारे और इनके स्टेशंस हैं, आप उन पे जाके भी कंफर्म कर लीजिए कि रेट कितना होता है, उसके बाद आप निश्चित करें कि किस बोटिंग में आपको जाना है ताकि आपकी मनी सेविंग हो सके। थैंक यू। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपको हम आगे भी
त्रिवेंद्रम का और कोलम बीच का पूरा ट्रिप दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ साथ।